चैनल स्टडी टॉक्स फ्रेंड्स टूडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एल्फोबैटिक सीरीज लास्ट वीडियो में हमने नंबर सीरीज डिस्कस की थी और आज हम एल्फोबैटिक सीरीज के बारे में पढ़ेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आएँ तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो स्टार्ट करते हैं एल्फोबैटिक सीरीज में मेनली आपको अल्फोबैट्स तो सभी को याद होते हैं एल्फोबैट्स के नंबर याद होने चाहिए ठीक है अल्फाबेट्स के एक तो सीधे सीधे नंबर और उसके बाद अपोजिट नंबर ठीक है अपोज़िट्स तो मैं आपको बताती हूँ आपको पहले तो जो नंबर्स होंगे जो वन टू ट्वेंटी सिक्स के ए बी सी डी जो भी कि एफ़ का नंबर सिक्स है जी का सेवन है क्यू का सेवनटीन है ओ का फिफ्टीन तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे ठीक है आप इनको अच्छे से रट लीजिए कि अगर आपके दिमाग में है कि एन है एन की जगह पर आपको फोटीन याद करना हो मतलब आना चाहिए इतने अच्छे से आपको याद होने चाहिए कि जैसे अगर वी है तो आपके दिमाग में ट्वेंटी टू आना चाहिए तो आपको बहुत ही क्विकली ये नंबर याद होने चाहिए ठीक है और मैं आपको अपोजिट याद करने का एक तरीका बता देती हूँ ये तो आपको ई uh, सिंपल मतलब uh, इसका कोई ट्रिक नहीं है ये तो आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे अपोजिट्स याद करने का मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ अपोजिट के लिए आपको क्या करना होगा पहले तो आप ट्वेंटी सिक्स लेटर्स होते हैं थर्टीन थर्टीन आपको पहले से ए टू एम लिख लीजिए फिर उसके बाद में नीचे से ऊपर की तरफ एन टू जेड लिख दीजिए ठीक है उसके बाद हम देखेंगे कि आ, अगर कहीं आया आपके एग्जाम क्वेश्चन में कि अगर ए के अल्फाबेट ए का अपोजिट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आपके दिमाग में क्या आएगा ए का अपोजिट क्या होता है जेड ये तो फर्स्ट और लास्ट का कॉन्सेप्ट है तो इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है ये आपको पता ही होना चाहिए कि ए का अपोज़िट क्या होगा जेड ठीक है अब मैं बताती हूँ बी बी का अपोजिट क्या होगा तो आप इस वर्ड्स से ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं इनके थ्रू आप इसको लर्न कर सकते हैं कि बी का अपोजिट बॉय से आप लर्न कर सकते हैं बी का अपोजिट वाई होगा सी एक्स से क्रैक्स याद कर सकते हैं क्रैक्स वर्ड से या फिर जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कोई भी वर्ड आप लिख सकते हैं उससे आपको लर्न कर सकते हैं डी का डब्ल्यू डी यू ई का वी अपोजिट है ईवन एफ़ का यू अपोजिट है यानी फन जी जी और टी जी टी रोड जो होता है जी और टी आपको ऐसा लर्न करना है और एच का एस अपोजिट है हनी सिंह आई का आर इंडियन रेलवे जे का क्यू जेक एन क्यू के का आ, के का पी कानपुर एल का ओ लव एम का एन यानी मैन ठीक है ये इसकी एक ट्रिक थी अपोजिट लेटर्स याद करने की तो अब आते हैं हम क्वेश्चन एग्जांपल्स पे ठीक है ऐसे आपको मैंने दो तीन क्वेश्चन मतलब दो तीन क्वेश्चन ऐसे ही बता दिए हैं ये इतने इजी क्वेश्चन आते नहीं है वैसे एग्जाम में कि अपोजिट ऑफ जी ऐसे बताइए बस मैंने ऐसे लर्न करने के लिए जी का अपोजिट क्या होगा आपको एकदम दिमाग में आना चाहिए कि डी का हम जी जी टी जी टी रोड से हमने याद किया था तो जी का अपोजिट टी होगा ऐसे अपोजिट ऑफ एच क्या होगा अपोजिट ऑफ एच से हमने क्या लर्न किया था हनी सिंह तो एच फोर हनी एस फोर सिंह यानी एस एस का अपोजिट होगा अब अपोजिट ऑफ यू क्या है यू से हमने कैसे लर्न किया था यू का अपोजिट फन ठीक है फन से हमने यू का अपोजिट क्या होगा एफ होगा अब आते हैं मेनली हमारे जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो मैं आपको अराउंड ट्वेंटी क्वेश्चन हैं आ जाता है क्वेश्चन में एग्जाम में कि लखनऊ का नाइन्टी नाइन है तो मेरठ का क्या होगा तो लखनऊ में जितने भी वर्ड्स के लेट नंबर्स हैं उन सबको ऐड करके नाइन्टी नाइन बना है और मेरठ का जो हम देख लेंगे एम का थर्टीन है ई e का फाइव है ई e का फाइव है आर का एटीन है यू का ट्वेंटी वन है टी का ट्वेंटी है तो इन सब को ऐड करके एट्टी टू बना तो ये इसका क्या होगा ये इसका आंसर होगा अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे बी डी एफ डैश पी आर टी डब्ल्यू वाई ए ठीक है ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं लॉजिक क्या लगेगा इसमें डिफरेंस वन का डिफरेंस है अल्फाबेट्स में कि बी के बाद में सी डी के बाद में ई e, एफ एक एक अल्फाबेट का डिफरेंस है तो हमें ऑप्शंस में देखना है कि, कि किस ऑप्शन के बीच में एक एक डिफरेंस आ रहा है तो जी के बाद में एच आई यहाँ दो डिफरेंस आ रहे हैं एच के बाद में आई जे यहाँ पर भी दो हैं तो आई के बाद में जे के एल एम इसमें एक एक डिफरेंस है तो ये इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है ए सी एफ जे ओ डैश एंड बी तो हमें इसमें फाइंड करना है कैसे फाइंड करना है हमें इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा ए के बाद में बी सी सी आ गया डी ई एफ जी एच आई जे तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे मतलब डिफरेंस बढ़ता जा रहा है वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे तो यहाँ फ़ाइव के डिफरेंस के बाद ओ के बाद में फ़ाइव लेटर बाद में क्या आएगा फाइव वर्ड्स बाद में तो यू आएगा तो यू उसका आंसर है क्वेश्चन नेक्स्ट uh, हम देखते हैं सेवन एक्स यू आर ओ एल आई दो क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी आपको लॉजिक लगाना होगा मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ आंसर मैंने टिक लगाए हुए हैं ऑप्शंस में आपको लॉजिक लगा के खुद करना होगा तभी तो आपको अच्छे से लर्न होंगे ठीक है आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेवन एट क्वेश्चन नंबर नाइन ठीक है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये वाला ए बी सी आगे डी फिर एस क्यू आर एस उल्टा हो गया इसमें तो क्यू के पहले पी तो डी और पी और डब्ल्यू से पहले वी डी पी वी इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर टेन फोर सॉरी वाई एस एन जे जी और आप अगर कुछ समझ नहीं आ रहा कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं और इसके ऑप्शंस हैं एफ ई एच आई आपको लॉजिक खुद लगाना है तभी आपको समझ आएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एलेवन ट्वेल्व देख सकते हैं आप आगे क्वेश्चन है थर्टीन के आई डी एन के एच क्यू एम एल टी ओ पी एंड आगे क्वेश्चन मार्क आपको लॉजिक लगा के बताना है आंसर डब्ल्यू पी डब्ल्यू Q टी क्यों आया आपको लॉजिक खुद लगाना होगा तभी आपको ये क्वेश्चन आज अच्छे से समझ आएगा नेक्स्ट फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन आप देख सकते हैं आपके सामने हैं सेवनटीन एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी ट्वेंटी तक ये क्वेश्चन हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे बहुत यूनिक एंड रिपीटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं तो so फ्रेंड्स यही है मेरी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई प्लीज़ लाइक करें शेयर करें कमेंट करके मुझे बताएं ज़रूर कि कैसी लगी आपको और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू